राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो के समापन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में इस बार तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर भारत की दिखाई देगी झलक। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान। राज्य सरकार प्रदेश के अस्पतालों में हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर जल्द ही करेगी सीधी भर्ती। मुख्यमंत्री ने पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के प्रारूप का किया अनुमोदन। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। यात्रियों को अपने साथ रखनी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। और चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच सीरीज का पहला मुकाबला जारी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला।